हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से एक ऐसी माउंटेन रेंज का जन्म हुआ जो पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से जानी जाती है। एल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप की सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 750 माइल्स यानी कि 1200 किलोमीटर है और 8 एल्पाइन देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, लिक्टेंस्टाइन, मोनेको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड से होते हुए गुजरती है। जर्मनी और इटली के बॉर्डर पर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा लगभग 200 किलोमीटर है। एल्प्स माउंटेन रेंज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वेस्टर्न एल्प्स और दूसरा है ईस्टर्न एल्प्स। कॉन्स्टेंस लेक और कोमो लेक इसे दो भागों में बांटती हैं। वेस्टर्न एल्प्स ईस्टर्न एल्प्स के कंपेयर में ज़्यादा ऊँचे हैं और ये फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। ईस्टर्न एल्प्स वेस्टर्न एल्प्स के कंपेयर में ज़्यादा चौड़े हैं और ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। एल्प्स माउंटेन रेंज को 6 अलग अलग रीजन में भी डिवाइड किया गया है। फ्रेंच एल्प्स, ऑस्ट्रियन एल्प्स, इटालियन एल्प्स, स्विस एल्प्स, बवेरियन एल्प्स और जूलियन एल्प्स। एल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप की सबसे नई और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड माउंटेन रेंज है। फ्रांस और इटली बॉर्डर पर वेस्टर्न एल्प्स में स्थित मॉन्ट ब्लैंक एल्प्स माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 15,777 फीट यानी कि 4,810 मीटर है। एल्प्स माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट 2,500 मीटर है और पूरे एल्पाइन रीजन में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे शिखर हैं जो कि 4,000 मीटर से ज़्यादा ऊँचे हैं और ये 4000ers के नाम से जाने जाते हैं। एल्प्स के 2,750 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले सभी शिखर पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ कई ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यही कारण है कि एल्प्स माउंटेन रेंज में मौजूद ग्लेशियर्स लगभग 90% पानी लोलैंड यूरोप को प्रोवाइड कराते हैं। एलिश ग्लेशियर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 23 किलोमीटर और गहराई लगभग 900 मीटर है। एल्प्स माउंटेन रेंज में 13,000 से ज़्यादा पौधों की स्पीशीज पाई जाती है। एल्प्स के सबसे ऊंचे शिखर पर जंगल मौजूद नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे जाने पर कई तरह के पेड़ और पौधे देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउस, पाइन और लार्च। एल्प्स की वैली में भी ओक, बीच और चेस्टनट के पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, एल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप के टोटल एरिया का करीब 11% है और यहाँ की क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और एल्पाइन रीजन में 30,000 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पाई जाती हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एल्प्स माउंटेन रेंज का एरिया तेजी से कम हो रहा है। 1876 में एल्प्स का एरिया लगभग 1,817 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 1973 में 1,342 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। दुनिया के कई और ऊंचे माउंटेन रेंज जैसे कि हिमालय और एंडीज के कंपेयर में एल्प्स की ऊंचाई कम होने के कारण इंसान यहाँ काफ़ी पुराने समय से रहते आ रहे हैं और 1991 में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रियन और इटालियन बॉर्डर पर एक ममी की भी खोज की, जिसको ओडजी द आइसमैन नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ममी लगभग 5,000 साल पुरानी है। पूरे एल्पाइन रीजन में लगभग 14 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके साथ ही ये यूरोप का सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और हर साल लगभग 120 मिलियन टूरिस्ट यहाँ आते हैं। फ्रांस में स्थित ग्रेनोबल शहर एल्प्स माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा शहर है। इसकी पॉपुलेशन करीब 5,00,000 है। दोस्तों, एल्पाइन रीजन अपने पुराने ट्रेडिशनल कल्चर के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि आज भी यहाँ के स्थानीय लोग फार्मिंग, चीज़ मेकिंग और वुड मेकिंग में भी वही पुराना कल्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी फार्मिंग और टूरिज्म है और एल्पाइन रीजन पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सुंदर इसकी रिसोर्ट भी मौजूद हैं। मिनरल्स के लिए भी ये रीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एल्पाइन रीजन में सिनेबर, अमेथियस्ट और क्वार्ट क्रिस्टल पाया जाता है, जिस कारण यहाँ कई माइंस भी स्थित हैं। दोस्तों, यूरोप की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि राइन और रोन भी एल्प्स माउंटेन रेंज से ही निकलती हैं और इन नदियों के कारण ही यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन हो पाता है।
एल्प्स माउंटेन रेंज हिमालय जितनी दुर्गम नहीं है और यही कारण है कि यहाँ बड़ी मात्रा में इंसानी बसावट है और आज भी एल्पाइन देशों की इकोनॉमी काफ़ी हद तक टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।